डोर नंबर 1 से चल रहे हैं, कैब नंबर 1 के पीछे कॉरिडोर नंबर 1 की तरफ दीवार पर एक यूनिट लगाया गया है। यह है बीसीडी का मेन यूनिट और यह जो स्विच देख रहे हैं यह है बीसीडी का बाईपास स्विच मींस एचबीसीडी। यह जो लोअर मोटर देख रहे हैं कैब 1 के पीछे यह है एमबीएमटी 1 का ब्लोअर मोटर। इसके नीचे तीन वाल्व देख रहे हैं, तीनों का तीनों है बीईएडी वाल्व और नीचे में इन तीनों वाल्व का आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। यह आइसोलेटिंग कॉक अभी खुला हुआ अवस्था यानी नॉर्मल पोजीशन में है। यह एमपीएच है, इसका काम है तेल को सर्कुलेट कर करके ट्रांसफार्मर में भेजना। यह एमवीआरएच का मोटर है और सामने में इसका ब्लोअर लगा हुआ है। इसका काम है ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा कर करके रेडिएटर में भेजना और यह रेडिएटर में जाने का काम एमपीएच के माध्यम से होता है। एसआई यूनिट है, इसके ऊपर एक स्विच लगा हुआ रहता है जिसका नाम है एचबीएसआई और यह स्विच का पोजीशन नॉर्मल है, एक नंबर पोजीशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेबी कंप्रेसर लगा हुआ है, इसी बेबी कंप्रेसर के बगल में यह R1 कॉक है और इधर में RL कॉक है। यह कैप 2 का पीछे का पोर्शन है। यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं एक कॉक जो यह लगा हुआ है, यह है VPT का आइसोलेटिंग कॉक, यह है VPT का वाल्व और यह है पेंटोग्राफ का थ्रोटल वाल्व। यहाँ पर जो दो कॉक हम देख रहे हैं ये दोनों के दोनों है सैंडर के आइसोलेटिंग कॉक। ये दोनों वाल्व जो हम देख रहे हैं ये दोनों है